हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल्सो लोशन के बारे में, जो कि मैन्युफैक्चर किया है इप्का कंपनी ने। और इसकी कंपोजिशन है एलोवेरा 10%, कैलामाइन 8% और लिक्विड पैराफिन 10%। इसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ही अच्छी है, यानी इसमें एलोवेरा भी है, कैलामाइन भी है, लिक्विड पैराफिन भी है। ये स्किन एलर्जी में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लोशन, और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। तो आइए मैं इसकी कॉस्ट बता देता हूँ आपको। तो इसकी कॉस्ट लगभग 200 के अराउंड आपको मिल जाएगी, और ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आप परचेज़ कर सकते हैं। ये इजीली अवेलेबल मार्केट में है। तो आइए मैं इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेता हूँ, और कंपोजिशन इसकी और इसका एक्शन के बारे में, इसका क्या एक्शन है और इसकी क्या कॉशन है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, प्रिकॉशंस क्या हैं। तो आइए इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना जिस जिसको भी स्किन की एलर्जी है या स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, ठीक है। तो उन लोगों को आप इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आइए मैं बात कर लेता हूँ ये किन कंडीशन में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले ये ल्यूब्रिकेंट, एज अ ल्यूब्रिकेंट ये काम करता है, और स्किन सरफेस पे या स्किन का जो टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करता है, और स्किन को मॉइस्चराइज करता है, ठीक है। और जो स्किन पे जो क्लॉगिंग होती है या पोर्स होते हैं, ठीक है, उनको सपलनेस करता है, यानी भरता है। तो अगर कैसी भी स्किन की एलर्जी हो, या स्किन की जो रूखापन हो, ड्राइनेस हो, या स्किन का टेक्सचर या स्किन की टोन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आपको दिख रही है, या फिर बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही है स्किन में, या फेस की स्किन में, या फिर हाथ की स्किन में, या फिर बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये स्किन सरफेस को हाइड्रेट रखता है, और वहाँ पर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। तो ये बहुत ही अच्छा लोशन है, ऑल्सो लोशन। जैसे मैंने बताया, इसमें एलोवेरा भी है, और इसमें कैलामाइन भी है, और इसमें लिक्विड पैराफिन भी है। तो ये तीनों मिलकर स्किन की जो इरिटेशन होती है, स्किन की जो बर्निंग सेंसेशन होती है, या फिर स्किन की जो खुजली होती है या खाज होती है, एक्जिमा या माइनर इरिटेशन हो जाती है, जैसे कोई अगर कोई कीड़ा या कोई बाइट कर लेता है, या फिर किसी वजह से स्किन में बहुत ज़्यादा एलर्जी बढ़ जाती है या खुजली हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई हो जाती है स्किन, ठीक है। तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज कर देता है स्किन को। और सबसे अच्छी जो बात है इसकी, इसका ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, यानी बहुत ही इसका माइनर साइड इफ़ेक्ट है, लगभग ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है।